इस एग्जांपल में सपोज एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है, नेचुरल लेंथ एल है, आपने एक मास एम लगाया, पॉइंट मास इसके पीछे, और इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। जब आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो स्प्रिंग एक्सपैंड होके घूम रहा है, कितना एक्सपैंड हो गया, बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या रेडियस ऑफ द स्प्रिंग इसमें कितना है, एल प्लस एक्स। तो जब ये घूमेगा अपना रेडियस चेंज नहीं कर रहा, तो ये कितने रेडियस में घूम रहा है, एल प्लस एक्स। तो रेडियस चेंज ना करने का मतलब ना तो मास इनवर्ड आ रहा है ना आउटवर्ड जा रहा है, जितना जाना था जा चुका, तो ये परमानेंटली एक तरीके से रेस्ट पे आ गया आर रेडियस में। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो स्प्रिंग जब गोल घूम रहा है और वो एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग एक्स एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग की इनवर्ड फोर्स कितनी है, की एक्स, जो स्प्रिंग को वापस लेके आएगी। पर क्योंकि स्प्रिंग गोल घूम रहा है, इसके पास सेंट्रिपेटल है, मास के पास सेंट्रीफ्यूगल है, और सेंट्रीफ्यूगल मास को कहां फेंक रहा है, बाहर, कितना m, और रेडियस क्या है, l प्लस x इंटू एक्स का ओमेगा का स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम में मास ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो अंदर की फोर्स इज इक्वल टू बाहर की फोर्स, इक्वेट करके यहां से ओमेगा की वैल्यू पूछी जाएगी, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब यहां पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहां पर फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि नेट फोर्स मास के ऊपर क्या रहेगी, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में किसी ने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग मासलेस है, दो मासेस लिए m1 m2 और दोनों को इस तरीके से फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो मतलब एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एक मास जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1 और एक मास जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। तो इसके अंदर यू कैन अप्लाई m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। कोई बोलेगा वो कैसे, जब आपने स्प्रिंग को यहां खींचा था तो मान लो स्प्रिंग x एक्सपैंड हो गया, स्प्रिंग का मास तो है नहीं। अब याद करो फोर्स चैप्टर के अंदर हम रस्सी लेते थे, जब रस्सी का मास नहीं होता था तो रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू रिमेंस सेम, पूरे रस्सी में फोर्स सेम होती थी, स्प्रिंग का भी मास नहीं है तो स्प्रिंग की फोर्स पूरे स्प्रिंग में विल रिमेन सेम। तो इसके अंदर x एक्सपैंड हुआ तो इसकी इनवर्ट फोर्स कितनी है, kx, और ऐसे ये जब एक्सपैंड हुआ तो इसकी इनवर्ट फोर्स कितनी है, kx। जैसे टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट, स्प्रिंग की फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ऑब्वियसली इस मास के लिए वी कैन अप्लाई m1 a1 आपने फोर्स लगाई और स्प्रिंग की फोर्स है kx, यहां पर m2 a2 आपने फोर्स लगाई, स्प्रिंग की फोर्स है kx, इन्हें इक्वेट करके ये इक्वेशन आ जाएगी। ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा न्यूमेरिकल में गिवन होगा m1 m2 और a1, वो कहेगा a2 निकाल दो, सीधा लगाना, क्या लगाएंगे, m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2 बस। और ऐसी एक और क्वेश्चन आ सकता है, a1 a2 की जगह v1 v2 देगा, एक मास m1 है मूविंग विद v1, एक मास m2 है v2, तो क्या रिलेशन लगेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप रूल लगा सकते हैं। सपोज एक ट्रे है, ये ट्रे मासलेस है, मास नहीं है, नीचे एक स्प्रिंग है मासलेस है, ये ट्रे स्प्रिंग के ऊपर रिलैक्स कर रही थी, दोनों के मास नहीं है, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, दबा नहीं हुआ। एक बॉल है एम मास की, आपने इसको छोड़ा और ये ट्रे पे चिपक गई और मास नीचे गिरने से ट्रे थोड़ी नीचे दब गई, नीचे एक बार काफ़ी नीचे गई, फिर ऊपर भी आएगी नो डाउट, पर ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गई जैसे ही मास गिरा ट्रे पे, ट्रे और मास नीचे चले गए और कंप्रेशन कितना हो गया एक्स, रादर ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया एक्स, क्योंकि इसके बाद ये ट्रे ऊपर आएगी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो गया एक्स। तो ये ट्रे यहाँ पे आके रुकेगी फॉर एन इंस्टेंट, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नहीं होगी क्योंकि ट्रे ने वापस भी आना है। तो मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू कितनी है या एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि परमानेंटली ये सिस्टम यहाँ पे रेस्ट पे तो आएगा नहीं दबने के बाद, तो एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे, जब ये मास ऊपर है, अभी ट्रे यहीं पर पड़ी हुई है मान लो ये सिचुएशन है और मास ऊपर है, तो सम ऑफ स्प्रिंग एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जब ये ट्रे यहाँ पे आ गई कंप्रेस हो गई, तो सम ऑफ स्प्रिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। करके देखें, जब ये वाली सिचुएशन है तो जब ये ट्रेन बिल्कुल ग्राउंड पे यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, तो जब ये मास यहाँ पर है बिल्कुल यहाँ पर है और ये ग्राउंड है,
तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की कितनी है, एम जी इंटू कितना, एच प्लस एक्स। मेरे हाथ में बॉल है, छोड़ा नहीं अभी मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। और स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, जब ये ट्रे यहां पर है तो स्प्रिंग अभी कंप्रेस नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, जीरो। तो स्प्रिंग की एनर्जी यहां पर क्या है, जीरो। ठीक है यहां तक? तो जब ये बॉल यहां पर है तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे, तो कोई स्प्रिंग की एनर्जी नहीं, इसके पास पोटेंशियल है और काइनेटिक जीरो। और जब ये बॉल बिल्कुल नीचे आ गई, ट्रे भी नीचे आ गई, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग एक्स एक्सपैंड कंप्रेस हो गया। ग्रेविटेशनल एनर्जी मास की जीरो, बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया, और काइनेटिक एनर्जी भी फॉर एन इंस्टेंट जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये और ये एनर्जी एक दूसरे के बराबर है। ये मैंने आपको लंबे तरीके से सिखाया तीन एनर्जी का सम, पर ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में सीधा एक ही काम करेंगे। जब ये ट्रे यहाँ पे थी, बिल्कुल नीचे आ गई, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और जब ये बॉल यहाँ पे थी तो बॉल के पास सिर्फ एक ही एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये बॉल नीचे गिरी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। तो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, उतनी ही स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई, इसी को तो एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। तो डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ मास इज एम जी इंटू एच प्लस एक्स, और इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, सीधा आंसर आ जाएगा यहां से। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, यहां तक स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। और जब स्प्रिंग आएगा तब की तब देखेंगे, बहुत रेगुलर स्प्रिंग्स नहीं आते, बट हाँ थोड़े बहुत स्प्रिंग आते हैं, तो मैंने ज्यादा लिखा हुआ है इसमें, बट हाँ कभी कभी बीच में यूज होते रहेंगे। ठीक, अब जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाए, जिसमें एक पुली है, यहां पर स्प्रिंग लगा दिया और एक रस्सी है, मैंने रस्सी को खींचा बाय फोर्स ऑफ एफ। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन याद है, फोर्स का चैप्टर, हमने मूविंग पुली की थी, और वैसे भी हमने पुली का कॉन्सेप्ट किया था कि अगर यहां पे टेंशन टी है तो इस हिस्से में टेंशन हमेशा टूटी होती है, याद है, थ्रस्ट ऑन पुली। तो यानी कि अगर मैंने रस्सी पे फोर्स लगाई एफ, तो यहां पर फोर्स कितनी हो जाएगी, टू एफ। हमने ये भी किया था, अगर यहां की एक्सेलरेशन है ए, तो यहां पे एक्सेलरेशन होती थी ए बाय टू। उसी तरीके से अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो ऊपर एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी, y by 2। तो जहां टेंशन डबल है वहां डिस्प्लेसमेंट हाफ है। तो इस स्प्रिंग के लिए फोर्स कितनी है, 2f, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k, और एक्सपेंशन कितनी है, y नहीं, y by 2। तो स्प्रिंग के लिए ये इक्वेशन काम करेगी। क्वेश्चन क्या आएगा मुझे नहीं पता, पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सोचना पड़ेगा जब भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी, जब स्प्रिंग यहां पर लगा होगा। तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चंस क्या आएंगे मुझे मालूम नहीं, वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव शीट पे मिलते रहेंगे, और ऐसा नहीं कि एक ही बार आएंगे, कभी कभी बीच बीच में आते रहेंगे। पर हाँ, आपको मैं रिमाइंड करवाता रहूँगा कि उसके अंदर भी रिवाइज करवाऊंगा, हम क्वेश्चन करेंगे कि देखा हमने स्प्रिंग में ऐसा कुछ किया था, तो आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, और दैट्स इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, देखो यहाँ मास नहीं है ना, अगर मास नहीं होता तो हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था, जो आप फोर्स लगाते हो वो टेंशन के इक्वल हो जाती है। ठीक, अगर मास नहीं है तो एफ और टी बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ की जगह इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो हम लास्ट अभी एंड में करेंगे। स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल आ जाता है। अगर दो स्प्रिंग्स हैं और स्प्रिंग्स के वन के टू, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, नीचे मास है या फोर्स लग रही है, तो इसकी एक्सपेंशन एक्स वन है, इसकी एक्स टू है। तो मैं ये चाहता हूं कि दो स्प्रिंग की जगह मैं एक स्प्रिंग लगाऊं जो सेम काम करे जो दो स्प्रिंग्स मिलके करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं, दो रेजिस्टेंस आर वन आर टू सीरीज में। मैं चाहता हूं कि दो रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि वही काम करे जो दो रेजिस्टेंस मिलके करती हैं। तो ऐसे एक स्प्रिंग लगाऊं जो सेम काम करे जो दो स्प्रिंग्स करते हैं, राइट? तो इसके अंदर जब आपने फोर्स लगाई, दोनों की एक्सपेंशन डिफरेंट होगी। वो क्यों? एक स्प्रिंग स्टिफ हो सकता है और एक सॉफ्ट हो सकता है, एक स्प्रिंग हार्ड हो सकता है, एक सॉफ्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में एक की एक्सपेंशन एक्स वन और एक की एक्स टू हो सकती है, पर फोर्स सेम रहेगी। जो आप यहाँ फोर्स लगाएंगे वो दोनों स्प्रिंग में सेम जाएगी, ऐसा क्यों? फोर्स सेम क्यों? हाँ, क्योंकि स्प्रिंग का मास नहीं है। जब रस्सी का मास नहीं होता, स्प्रिंग का मास नहीं होता, तो फोर्स की वैल्यू रिमेन्स सेम, इसलिए फोर्स सेम रहेगी। ठीक है, फोर्स सेम रहेगी पर स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, तो एक्स डिफरेंट होगा।
तो मैं इन दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाना चाहता हूं और जिसकी एक्सपेंशन कितनी है एक्स, फोर्स की वैल्यू जितनी आपने इसको दी उतनी ही इसको दो, तभी बात बनेगी। डिफरेंट फोर्स हो गए तो ज्यादा खिंच जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली क्या रखनी है, सेम, पर एक्स की वैल्यू तीनों में क्या होगी, डिफरेंट, इसमें एक्स वन, इसमें एक्स टू और इसमें एक्स। तो इसमें एक्स जो होगा वो एक्स वन प्लस एक्स टू के इक्वल होगा, कि जो एक्सपेंशन आप करोगे, ऐसा ना हो ना इसमें एक्सपेंशन एक सेंटीमीटर, इसमें एक सेंटीमीटर या इसमें दो सेंटीमीटर, तो तीन सेंटीमीटर और वहां 300 सेंटीमीटर कर दो, फिर कैसे मुकाबला होगा। तो यानी कि जो एक्सपेंशन है, अगर आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो, इन दो की जगह एक स्प्रिंग लगाना चाहते हो, तो काम वही करे, ये स्प्रिंग वही काम करे जो दो मिलके करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर एक्सपेंशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी 3 ही करे। तो अगर ये एक्स वन प्लस एक्स टू करते हैं तो ये एक्स करता है, तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक। तो ऐसे केस में पहले स्प्रिंग के लिए यहां पे फोर्स एफ है इज माइनस के वन एक्स वन है, दूसरे स्प्रिंग के लिए माइनस के टू एक्स टू है, और इस स्प्रिंग के लिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एस इन टू एक्स है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ अपॉन माइनस के एक्स, एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ बाई के वन, और एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ बाई के टू। क्लियर है, एफ 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 कैंसल। तो फॉर्मूला आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का, ये फॉर्मूले को बॉक्स में डालो और इंपॉर्टेंट मार्क करो। कभी कभी जब स्प्रिंग सीरीज में मिलेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम प्रूफ नहीं करेंगे हर बार, हम सिंपल फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो स्प्रिंग इन सीरीज का फॉर्मूला क्लियर है सबको, क्या लगेगा, 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल क्या होता है, ये पैरेलल है, K1 K2 दो स्प्रिंग पैरेलल है, मैं दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाना चाहता हूं KP, जो सेम काम करे जो दो स्प्रिंग्स करते हैं, तो ये क्या करता है, इसके नीचे मास एम है, इसके नीचे भी मास एम है, सेम कर दिया, मैंने इसे नीचे खींचा, जब मैं नीचे खींचूंगा टेढ़ा नहीं खींचना, टेढ़ा खींच दिया तो एक स्प्रिंग बड़ा एक स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, बराबर खींचना है। जब बराबर खींचोगे तो यहां पे एक्स, यहां पर भी एक्स होगा, बराबर खींचेंगे तो दोनों एक्स और एक्स। अब क्योंकि दोनों एक्स और एक्स के दोनों में डिफरेंट है, तो फोर्स दोनों में सेम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि के वन डिफरेंट है और एक्स सेम है, तो फोर्स क्या होता है, माइनस के वन इंटू एक्स, इसमें फोर्स क्या होगी, माइनस के टू इंटू एक्स, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो सीरीज में फोर्स सेम रखते हैं, पैरेलल में एक्स सेम रखते हैं, तो इसके अंदर भी हमने इसको कितना खींचना है, एक्स ही खींचना है, एक्सपेंशन शुड बी सेम। तो फोर्स की वैल्यू यहां पर एफ इज इक्वल टू माइनस के पी इंटू एक्स। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसमें जो फोर्स लगेगी वो इसकी फोर्स और इसकी फोर्स के सम के इक्वल लगेगी। सीरीज के अंदर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू लगता था, फोर्स सेम होती थी, पैरेलल में फोर्स डिफरेंट है लेकिन एक्स सेम है, ठीक है यहां तक। तो इसमें जो नेट फोर्स होगी दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगी। तो इसकी फोर्स कितनी है, माइनस के पी इंटू एक्स, माइनस के वन इंटू एक्स, माइनस के टू इंटू एक्स, तो माइनस 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 कट गया एक्स और एक्स भी गया, तो आंसर क्या आया, के वन प्लस के टू। इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डालो, प्रूफ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जरूर आएगा। आपको दो स्प्रिंग जब पैरेलल में गिवन होंगे और एक स्प्रिंग लगाना होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या पुट करेंगे, के वन प्लस के टू, याद रहेगा यहां तक रिजल्ट, ठीक, ठीक है यहां तक। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, मेडिकल में तो बहुत आता है ये क्वेश्चन, नॉन मेडिकल में भी कई बार आया हुआ है, कि जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है ना, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ही आएगा कि आपके पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आपने इसको काट दिया L/2 L/2, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, लेंथ अगर हाफ हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 2k 2k। अगर आपने इसको तीन इक्वल हिस्सों में काट दिया L/3 L/3 L/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3k 3k 3k, लेंथ 1/3, स्प्रिंग कांस्टेंट 3 times। ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला कोई नहीं किया, वो के कैसे निकलता है वो नहीं किया, तो वहां जैसे भी निकलता है वहां से रिजल्ट लिया मैंने, ये याद ही करना है। और नहीं, अगर आप इतना सा स्प्रिंग ले आओगे, इतना स्प्रिंग ले आओगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट, छोटे स्प्रिंग को खींचना मुश्किल है, बड़ों को खींचना आसान है, तो लेंथ पे मैटर करता है, ठीक, तो लेंथ मैटर करती है इसमें।
अगर एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, आपने लेंथ हाफ कर दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ हाफ कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, वन थर्ड कर दी तो थ्री टाइम हो जाएगा। तो अगर आपने अनइक्वल काट दिया स्प्रिंग को, अनइक्वल कैसे, एल बाई थ्री और टू एल बाई थ्री, तो स्प्रिंग कांस्टेंट रेसिप्रोक कर लो, एल बाई थ्री का थ्री के और टू बाई थ्री का रेसिप्रोकल थ्री बाई टू के। तो याद रहेगा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग जब कट करते हैं तो क्या रिजल्ट लगेगा, समझ में आ रहा है यहां तक? ये हमने कर लिया अभी आज, अभी थोड़ी देर पहले या लास्ट टाइम भी किया था। अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नीचे मास लगा के इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये पड़ा हुआ था। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर कितनी थी, एक्स नॉट थी। आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी वेलोसिटी दी, तो ये नीचे कितना चला गया, एच। तो आपको ये बताना है कि एच कितना है। तो मैंने करके दिखाया, इस पे और इस पे क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तीनों एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स नॉट प्लस एच का स्क्वायर। सॉल्व करके एच कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये ट्रिक्स हैं कि कैसे आप एक्स मैक्स निकालोगे, कैसे वेलोसिटी वी वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा? जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सपोज एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में आराम से पड़ा हुआ है, एल नॉट उसकी लेंथ है, और एक मास है जो किसी वेलोसिटी से आ रहा है। कितनी वेलोसिटी मुझे पता नहीं, ये आया, इसने स्प्रिंग को टच किया और कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो स्प्रिंग दबना शुरू हो गया। कितना दबा, मैक्सिमम ये दब गया एल नॉट बाई टू। तो अगर ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट है और ये अब एल नॉट बाई टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो गया, तो ये कितना कंप्रेस हुआ, तो इसकी जो कंप्रेशन है वो कितनी होगी, एल नॉट बाई टू। कोई डाउट इसमें? तो एल नॉट से एल नॉट बाई टू हो गया, तो कंप्रेशन कितना हो गया, एल नॉट बाई टू। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन अब शुरू है। सिचुएशन ऐसी है कि वो एल नॉट बाई टू से दबा दिया, अब स्प्रिंग रुकेगा तो है नहीं, उठा के बाहर फेंकेगा इसे, स्प्रिंग तो खुलेगा ना और मास को बाहर फेंक देगा। अब स्लो मोशन में स्प्रिंग खुल रहा है, स्प्रिंग खुल रहा है, उसको यहां तक खुलना था पर अभी रास्ते में है, तो रास्ते में जब ये यहां चला था, इस इंस्टेंट पर इस मास की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, जीरो थी, बिल्कुल दब गया। अभी चलना शुरू हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, रास्ते में स्प्रिंग अभी कितना खुला, एक्स खुला, बस एक्स खुला है। और रास्ते में इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर कितनी है, v। तो आपको बतानी है v कितना है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है एक्चुअल में। तो मास की वैल्यू यहां पर, जो मास है उसने इसको दबाया हुआ l नॉट बाई टू, और अब ये वापस चल पड़ा, स्प्रिंग खुलना शुरू हो गया। स्प्रिंग ने खुलने l नॉट तक, पर अभी रास्ते में खुल रहे, और रास्ते में अभी कितना खुला है, उसकी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो चुकी है, x। तो उस इंस्टेंट पर मास अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा था, और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी थी, आपको वी निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? फिर से, मास किसी वेलोसिटी से आता है, स्प्रिंग को पूरी तरह दबा देता है, कितना, एल नॉट बाई टू। यहां तक क्लियर है? यहां कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग का, एल नॉट बाई टू, सही है। अब क्वेश्चन स्टार्ट है, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है मास की, जीरो। स्प्रिंग खुलेगा, जब खुलेगा तो मास अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, जीरो, इंक्रीज 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 इंक्रीज। किसी भी इंस्टेंट पर जब स्प्रिंग की लेंथ एक्स हो चुकी है, वेलोसिटी मास की क्या है, वी। आपको वी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन नहीं कह रहा मैं, कैसे करना है वो छोड़ो आप। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें ना तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, परमानेंट मास रेस्ट पे तो है नहीं, ना ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, एल नॉट बाई टू। तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? हाफ के एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो, सब कोई ग्राउंड पे तो हो रहा है, एमजीएच तो होगा ही नहीं इसमें। तो इस इंस्टेंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? स्प्रिंग एनर्जी है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, जब ये यहां पे है तो यहां पर सबसे पहले स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना है? एल नॉट। अभी लेंथ कितनी है एक्स, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड कितना है अभी? एल नॉट माइनस एक्स। तो नेचुरल लेंथ से कितना दबा हुआ है अभी? एल नॉट माइनस एक्स। तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? हाफ के एल नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल तो होगी नहीं एमजीएच इसमें, ग्राउंड पे ही हो रहा है सब कुछ। तो इन्हें इक्वेट करके वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन आए ना आए मुझे पता नहीं, पर चाहे जब मैंने अपना मन से क्वेश्चन बनाया, जैसे भी बनाया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करना है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा तब की तभी देखेंगे। अभी बस आपको ये सारी बातें समझ के ये समझना चाहिए कि कब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और कब फोर्स लगेगी। फोर्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कम लगता है, वो तो लगता ही तब है जब इक्विलिब्रियम है। अदरवाइज आपको इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन दे कौन रहा है? आपको तो मोशन में देगा ना वो, इसलिए आपको हमेशा क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी कंजर्वेशन। वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे लगेगा कि क्वेश्चन याद तो किए नहीं जा सकते, एनर्जी कंजर्वेशन याद नहीं हो सकती किसी सिचुएशन में, तो आपको लगा के देखनी पड़ेगी। पर हाँ, इन लेक्चर से आपको आइडिया हो रहा है कि सोचना कैसे, और हम आप घर जाके ट्राई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं, सिंपल प्रॉब्लम आती हैं, वो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सिंपल कैसे? वो कहेगा एक मास है, इंक्लाइन प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये एक स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पड़ा हुआ था, ये रहा, कोई दबा नहीं, कोई एक्सपेंडेड नहीं। 4.9 मीटर से मास चला, चलता 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 जब स्प्रिंग को बिल्कुल यहां पे आके कंप्रेस कर देगा, पूरी तरीके से कंप्रेस कर गया, तो कितना कंप्रेस कर गया भाई? एक्स मैक्स। दबा देगा पूरी तरीके से मास, एक्स मैक्स। आपको एक्स मैक्स निकालना है। तो जब ये इस सिचुएशन पे था तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे था, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एमजीएच। स्प्रिंग एनर्जी क्या थी? स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे था, मास तो यहां पड़ा है, स्प्रिंग तो वहां पड़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो, रेस्ट पे था। तीन एनर्जी हो गई। जब इसने पूरी तरह दबा दिया स्प्रिंग को, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जमीन पे आ गया। काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट में पूरा दब गया, जीरो। और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट करेंगे तो यही क्वेश्चन आएगी आपके पास। तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं आपको। आप सिंपली फर्स्ट सिचुएशन लें, यहां पर आप बोलें कि यहां पर एनर्जी कौन सी है? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एमजीएच, बस, और तो कोई है ही नहीं। और जब फाइनल इसको दबा देगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और स्प्रिंग की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना विल गिव स्प्रिंग का एनर्जी का इंक्रीज होना, यहां से आंसर आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आंसर आएगा, आफ्टर प्रैक्टिस आप एक ही लाइन में लिख लेंगे, काफी दिनों के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लगेगा। ठीक है यहां तक? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्प्रिंग है, एक मास है और ये रेस्ट पे है, मैंने पकड़ा हुआ है इसे, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है मान लो, मैंने मास को छोड़ दिया। जैसे ही मास को छोड़ा तो मास एकदम काफी नीचे गया, जब काफी नीचे जाएगा तो स्प्रिंग एकदम खुलेगा एक्स मैक्स, फिर मास ऊपर आएगा, नीचे ऊपर नीचे, तो स्प्रिंग भी कंप्रेशन एक्सपेंशन ऐसे शो करेगा। आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, और मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगी? जब आपने मास को छोड़ा था पहली बार, जब वो नीचे गया, उसको बोलते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन, वो निकालना है। तो रूल वही है, जब ये मास नीचे जाएगा तो देयर इज डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब एक्स नीचे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी? एम जी एक्स। और इधर से स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम इलोंगेशन आ गई। तो अब कैसे इन क्वेश्चन को सोचना है, ये लेक्चर सिर्फ आपको यही बता रहा और कुछ नहीं बता रहा।